कंसंट्रेशन जाता है ना प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, आप कैसे हैं? ठीक है, ओके। और क्लास चूंकि आज फ्यूचर परफेक्ट पे बात करनी है, और जो पैसेज दिया उसको पढ़ते रहिए, अभी थोड़ा बताया जाएगा, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। और देख लीजिएगा जो सिनोनिम एंटोनिम का मैंने सीड दिया था वो सर को दिया था, हो सकता है। अच्छा, देख लेंगे, अगर एक एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा होगा तो आप फोटो स्टेट करा लीजिएगा, उसको देख लेंगे, यू कैन। तो और थोड़ा सा आज के बाद से क्लास शायद सस्पेंडेड है, आज से क्लास ने, आज के बाद से ही। और शायद बताया सर ने पाँच को, कितने पे, किस क्लास, दो को, अच्छा कोई पाँच बता रहा हूँ। अच्छा, तो जब मतलब मालूम पड़ जाएगा आपको तो कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो हम तो एक तारीख से ही उपलब्ध रहेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो इधर से कोई वो दिक्कत नहीं है हमें, दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, लोगों से मिलना जुलना कुछ काफ़ी दिनों से है तो नहीं मिल पाया, सबसे अपना मिलना जुलना भी होगा, जैसे घर द्वार गाँव देश थोड़ा ही इन द वे। ओके, कई एक अच्छा से पर्व जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को जोड़ता है कहीं चीज़ों में। अभी मैं अभी भी एक जगह क्लास जैसे ले रहा था, क्लास लोग नहीं आज पढ़े ही नहीं, तो लेकिन यहाँ पढ़ेंगे हम, पढ़ा करके उसको तब इस जस्ट आपको होली की शुभकामना देते हुए, जो भी आप जिस पॉइंट पे होंगे, और सेफ होली और बेहतर तरीके से, मेरा मतलब है कि इजी वे में, यस, खाने पीने दोनों पे नियंत्रण रखिएगा, यस प्लीज, हमें थोड़ा, यस जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू इजी वे में। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे बात करते हैं, यस yes? बहुत ही एक अच्छा टेंस यू कैन, और जब भी मैं कुछ सेंटेंस बोर्ड पे मेंशन करूंगा उसी से समझा दूंगा पूरी बात। गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसी के साथ जब पढ़ते रहेंगे ना तो बीच बीच में आपको प्रेसिंग का टच भी दूंगा, अभी पहले हो जाए कुछ चीज़ें और बेहतर तरीके से, इंग्लिश टू हिंदी पे आप मझने लग जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं दे रहा हूँ उस पर, अभी बहुत इजी वे में। अब इसके बाद जान लीजिए आपके वर्क जो हैं, और इसके बाद में एकाक क्लास ऐसा होगा ना, थोड़ा सा मैं लंबी क्लास लूँगा, जैसे कोई एकाक हो सकता है, कोई देख लेंगे कि संडेज को भी, जैसे कभी आगे के पॉइंट पे, तो एक दो घंटे की कंटिन्यू क्लास यहीं पे प्रैक्टिस होगी, आप कापी भी अपने रखेंगे, यहीं पे साल भी कई चीज़ें होंगी और उस पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे, यस, ताकि इंग्लिश में, इंग्लिश के क्वालिफाइंग में पॉइंट पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नहीं तो वहाँ तक चलूँगा जहाँ तक अंग्रेजी को ज़रूरत होगी ना, व्हाट फॉर, चलूँगा मतलब ये नहीं कि मतलब ये वहाँ तक कैसे कापी ऐसे जची नंबर लड़के का और होना चाहिए था। ओके, जस्ट तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुके होंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग अभी और डिस्कस हम कर रहे हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के इसके चार पांच सेंटेंस पहले हम बोर्ड पे अभी मेंशन कर रहे हैं, छोटे छोटे वाक्य, चूंकि आदत में थोड़ा बड़े बड़े वाक्य हैं ना, तो छोटे वाक्य संभालना पड़ता है। सेंटेंस जैसे है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तीन चार सेंटेंस से पूरी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू इसका है, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे, 7 बजने से पहले, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे, यस yes. क्वेश्चन नंबर थ्री, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे,
सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, वे मैच खेल चुके होंगे। अभी हम इस पर सब पे डिस्कस करेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, आपके आने से पहले, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। जस्ट वेट, बहुत इत्मीनान से सेंटेंस की एक एक बारीकी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस आप नोट कर लें, कहीं वॉच कर लें इस पॉइंट पे। बहुत ही इजी वे में आप करेंगे। इसी एक ऐसा टेंस है जिसमें आप दो टेंस यूज करेंगे एक सेंटेंस में। जैसे पास्ट परफेक्ट में दो टेंस आप यूज कर रहे थे, एक तरफ पास्ट परफेक्ट होता था, एक तरफ पास्ट इंडिफिनिट होता था, या एक तरफ पास्ट इंडिफिनिट होता था, एक तरफ पास्ट परफेक्ट होता था। और उसी प्रकार से इस टेंस में और इजी पड़ेगा आपको, उससे इजी पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट। इसमें आप देखेंगे कि एक वाक्य में दो टेंस हैं, एक परफेक्ट रहेगा, दूसरा सिंपल प्रेजेंट। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कुछ कम भी क्लियर हो तो घबराना मत, उसी को कई बार पढ़ लीजिएगा। रीड इट थरोली, थरोली, यस, मेनी टाइम्स, कई बार पढ़ लीजिए। यू विल देन सक्सीड, आप सफल हो जाओगे। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कंटिन्यूटी का कोई विकल्प नहीं है। कितना भी कमजोर आप हो, ये सूत्र रहेगा, ये फार्मूला है, बड़े लोगों ने बनाया है, जो लोग सफल हुए हैं दुनिया के। बताया ना कि फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ एंड फेथ इन योर सेल्फ, ये समीकरण है। इस समीकरण को आप फॉलो करिए। तीन समीकरण जीवन के आपके, अंग्रेजी में भी चलने वाला पॉइंट, ईश्वर में विश्वास, फेथ इन द सुप्रीम, कहीं अंग्रेजी में कहना पड़ा जैसे ईश्वर में विश्वास, ओके, जिस धर्मशास्त्र के मानने वाले हो, जो भी आपकी सत्ता हो, एक निश्चित रूप से है, डिफिनिट है, ईश्वर में विश्वास, फेथ इन द सुप्रीम, उसके नियमों में विश्वास, फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ, उसके नियमों में विश्वास की अंग्रेजी, फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ, फिर अपने ऊपर विश्वास, फेथ इन योर सेल्फ, और अपने कार्य पर विश्वास, फेथ इन योर वर्क। फिर क्या है, यही वह चट्टान है, हियर इज द रॉक, जिस पर आप अपने उपलब्धियों के राजमहल खड़े कर सकते हैं, अपॉन विच यू कैन बिल्ड योर अचीवमेंट्स। जहां उपलब्धि, अब राजमहल का अंग्रेजी वहां नहीं है, अचीवमेंट्स उपलब्धियां, तो वही राजमहल आपका है ना, ओके। तो फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ, फेथ इन योर सेल्फ एंड योर वर्क, हियर इज द रॉक अपॉन विच यू कैन बिल्ड योर अचीवमेंट। ऐसे के लिए लाइन कहीं आप यूज कर लेंगे निबंध लिखने के लिए। निबंध जब भी लिखें तो ऐसी खड़खड़ाती लाइनें ऊपर लिख दें गाइज कि अच्छा ओला इच्छा या ठीक ठीक ओके, हम भी फ्लो में रह जाते हो जान ओके। अरे उसको रहने दी, हम ऐसा हल्का सा अपना ट्यून कुछ कम कर देंगे। वो कम करने के चक्कर में जानते क्या होता है कि लोग इतना कम कर देते हैं तो हम और चिल्लाना पड़ता है। अब ठीक है, ठीक है, ओके, जस्ट ओके, ऑलराइट। तो गाइज वही चीज, ये मैंने लाइनें जो बोली है ना, आपको निबंध में काम देंगी। कहीं निबंध में इस प्रकार की चीजें, हर जगह कुछ चीजें अपने हिसाब से आप कर सकते हैं ना। इंटरव्यू आप अपने हिसाब से मोड़िए, इंटरव्यूअर के हिसाब से नहीं, माय गॉड, ओके, दहशत एक हो जाती है ना। अभी माध्यमिक शिक्षा परिषद में इंटरव्यू था, तो कुछ सामाजिक विज्ञान के टीचर्स का इंटरव्यू था भी। उसमें जो सोचो, जो टीचर बहुत बढ़िया से यहां बोल रहे थे या मंचों पे जा करके, वो जब इंटरव्यू की बारी आई, मैं देख रहा था कि सामने वो, एक तो हमारे वहां वो थोड़ा सा बगलियां बैठा था, परिचित थे, बैठे थे बोर्ड के, तो मैंने देखा कि वो
इंटरव्यू में बैठने पर अलग बात हो जाती है ना, भले कि इतना आप रहे लेकिन कहीं ना कहीं पता चला कि वो ऐसी चीजें जो पढ़ाते थे वही नहीं बता पा रहे थे, जो पढ़ाते थे वो मैं जानता था कि जान रहे हैं लेकिन वो हिचकिचाहट उसमें हो जाती है, हेजिटेशन हो जाता। तो इंटरव्यू अपने हिसाब से भाई, जो चीज आपको इंटरव्यू तक ले गई है ओके, आपकी क्षमता वहां तक हो गई ना, तो और हेजिटेशन किस चीज का, माई गॉड, यस दैट इज पॉइंट। ओके आइए, तो ये चीज मैंने थोड़ा सा भी बता दी, ये निबंध में काम देगा, इसका मतलब है कि ऐसे भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जब भी शुरुआत करें निबंध अपना, तो कुछ खड़खड़ाती लाइनों से, खड़खड़ाती लाइनें मतलब समझ रहे हैं, जो एक एक अपील करती हो। यस, हिंदी के निबंध कहीं लिख रहे हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन से इतिहास की दिशा धारा बदलती हो, उस किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने का मुझे अधिकार तो नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन से देश की दिशा धारा प्रभावित होती हो, उसके एक एक चीज के बारे में जानना हमारा दायित्व है। ये लाइनें मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ी थी, एक किसी बड़े राजनेता के बारे में किसी पत्रकार ने बड़ी छीछा लेदर की थी, मतलब वो उनके व्यक्तिगत जिंदगी में, तो कहीं किसी ने क्वेश्चन ना उठाए, इसलिए उसने कहा कि चूंकि वो राजनेता है तो देश से दुनिया की बदलना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसे ऐसे है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करते रहिएगा कि फ्यूचर के साथ ये क्या हो रहा है, ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट में चुका हो, चुके होंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग। फिर पॉइंट इसकी हेल्पिंग वर्ब गाइस क्या है, पहले वाच कर लें, यू कैन स्पेशली यूज द हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब में ओके, यस गुड, हेल्पिंग वर्ब लग रहा है वजिए दबाव ज्ञान का। चलिए, हेल्पिंग वर्ब में विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, प्लीज ओके, यस विल हैव और शैल हैव का प्रयोग इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, वेरी एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हम लोग वर्क करेंगे। विल हैव, शैल हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यस इसका भी प्रयोग आप इसमें करेंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बुनियाद पे बात हो रही है। और मैंने बताया कि इस टेंस में एक चीज और समझनी होगी कि दो टेंस का प्रयोग इसमें, फ्यूचर परफेक्ट से शुरुआत करेंगे, अंत सिंपल प्रेजेंट, इसमें और कोई और दिक्कत नहीं है, शुरुआत फ्यूचर परफेक्ट से, अंत प्रेजेंट इंडिफिनिट जो सिंपल प्रेजेंट है उसी को कहते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा तुम्हारे आने से पहले, ऐसे इसका अनुवाद करने की प्रक्रिया रखेंगे। तो वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, ही विल हैव जस्ट वेट, या ही विल हैव लर्नड, या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गाइस ध्यान रखें, ही विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव पहले से प्रक्रिया है आप जान रहे हैं। ही विल हैव लर्नड हिज लेसन, ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर, बिफोर तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम, ओके इतनी वजिया मत कम कर दीजिए, माई गॉड पूरा शहर वजिया कम करने चक्कर पड़ा, हाउ कैन आई टेल यू जस्ट, हाँ यस ऑलराइट ओके प्लीज, ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। अब देखिए, यू कम्स नहीं करेंगे, यू कम चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस हट जाता, मतलब यस लगता है लेकिन उसके साथ और हट जाता है पॉइंट, प्लीज गाइस यस अभी चल रहा है, एक सेकेंड मेरी आवाज किसी दूसरे खास में चल रहा है, हाउ कैन आई टेल यू,
यही रिमोट होता है, माय गॉड, रिमोट की लाइफ. जस्ट आई एम गोइंग टेल यू. ओके, प्रसन्न चित्त रहने पे हर आदमी अच्छा लगता है. ओके, दैट्स गुड वन. ओके, यस, दैट इज पॉइंट. हर आदमी खूबसूरत है, एवरी बॉडी इल्स. ओके, विलियम बटलर ईट्स ने एक लाइन लिखी गाइज, बटलर ईट्स ने, कि अपनी डॉक्टर के लिए, मैंने बताया था कि आप उसको पढ़ लीजिएगा, कि खूबसूरती तो डॉक्टर को मेरे देना, नो डाउट, लेकिन ऐसी खूबसूरती ना हो कि वो बाहर की खूबसूरती बनाने के चक्कर में अंदर की सौंदर्य खो दे. बड़ी लाइन लिखी कि अंदर का सौंदर्य किसी का न जाने पर वो बचाए रखिए. ये बाहर का सौंदर्य जेंटलमैन, ये कब किसी का, 10 साल पहले, 10 साल बाद, बस. ओके, दैट इज पॉइंट. बस इतना ही है. हम किसी को निराश नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जान लीजिए, बस अंदर के सौंदर्य को अपने बनाए, अपनी खूबसूरती अंदर की बनाए रखिए, वो चीज आपको बहुत जिंदा रखेगी. अंदर का ही दिखता है, मैं आपको बता दूं, अंदर का ही सौंदर्य निखर करके सामने आएगा. चलिए, वो समय परिस्थितियां सब बता देंगी. वेट योर टर्न माई बॉय. अपने बारी की प्रतीक्षा कीजिए. ओके, थैंक यू. आइए पॉइंट पे. दैट्स ऑलराइट. 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे. पहला सेंटेंस जो देर से जुड़े देख लें, ही विल हैव लर्ट हिज लेसन बिफोर यू कम. 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुकेंगे. वी हैव, प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए ना, चैनल छोड़ रहा है. अरे रुक जाइए भाई, जागरूक जनता है. गुड, कहीं गवर्नमेंट इधर उधर नहीं कर सकती. ओके, दैट्स आई एम गोइंग टू टेल यू. देखिए, लखनऊ तक आवाज जाती कि नहीं जाती. बड़े लोगों के कानों में बात जल्दी नहीं पहुंच पाती, जेंटलमैन. यस, इसी बाल संघ चौराहे मैंने कहा था अपने उस समय पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए. चौराहा पाए थे एक बार, यू कैन फाइंड आउट. हाथ मिला कि मैं चला गया था, उनका क्लास लेनी है सरकार, तो उन्होंने कहा चल 10 क्लास अपनी ले लीजिएगा. उस समय मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब से बन गए तो हम खा ली ना, वो खा ली. हम तो अपने भाई, अपनी मेरी छोटी सी दुनिया जो है हम उसी में व्यस्त हैं. ओके, और इनके पास जाने का थोड़ा सा मौका ही नहीं लगता. पता चला लखनऊ जाओ तो गोरखपुर रहते हैं. भाई बात वहां तक. प्लीज, हम कुछ किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते. और प्लीज भाई, हम भी सुबह जगते, हम भी भागवत और मानस वाले हैं. ओके, आइए. 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे. वी शैल हैव टेकन आवर फूड. आप ऐसा करेंगे, शाम के समय का खाना है तो डिनर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सफर भी लिख सकते हैं, डिनर, फूड तो आप लिख ही सकते हो, नो प्रॉब्लम. वी शैल हैव टेकन आवर फूड 7 बजे, बिफोर सेवन लिखिए, चाहे बिफोर इट इज 7, ऐसा भी कर सकते हैं. कहीं कुछ कंफ्यूजन लग रहा है क्या, देख लें. एक सेकेंड, अब उस सेंस में आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब देखो, बिफोर 7, या देखो 7 का मतलब ओक्लाक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ओक्लाक लिखे गलत नहीं होगा. आप ओक्लाक लिखेंगे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है. बिफोर सेवन तो संकेत वही है, तो कभी कभी ऐसे भी शॉर्ट में आप उसको लिख सकते हो. क्लियर,
बिफोर सेवन, तो बिफोर सेवन उसी के लिए है, शाम के उसी खाने के लिए है, क्लियर। तो सेवन ओ क्लॉक भी आप लिख सकते हैं, या बिफोर इट इज सेवन भी लिख सकते हैं आप, बिफोर इट इज सेवन, बिफोर सेवन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। वहां इज जो है उसके लिए मत परेशान हो, इज जो है वहां लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, यू कैन जस्ट इसको रख लीजिए ये वाला, या प्लीज गाइस, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, तो दे विल हैव प्लेड, यस गुड, या चलो ठीक है। नंबर फोर है, नंबर थ्री है, यस दे विल हैव, दे विल हैव प्लेड, दे विल हैव प्लेड द मैच, दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर, बिफोर द सन सेट्स, यस द सन, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ देख लें, सन सेट्स लिखिएगा, यस ई टी एस, वो सिंपल प्रेजेंट में जो यस और ईएस का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग, वह बाजार जाता, ही गोज टू मार्केट, ओके उस सेंस पे बेस है। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स, क्लियर ऑलराइट, यस। इसको एक दोबारा और घर पे देख लीजिएगा, और इस फॉर्मेट पे भी बेस्ड, किसी भी जनरल इंग्लिश पे आप देखेंगे कोई भी नॉर्मल वे में भी, तो उसमें कई सेंटेंसेस आपको और मिल जाएंगे, ओके। होली के बाद एक लिस्ट पकड़ाएंगे आपको, और थोड़ा सी इधर मना उना कर लौटिए आप लोग बढ़िया, ताकि उसमें हम और टेंशन नहीं देना चाह रहे हैं, तो यू कैन फाइंड आउट। और सिनानिम एंटोनिम तो देख लीजिएगा, मैंने दे दिया है, वॉच कर लीजिएगा, यू कैन। आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, तो आई शैल हैव, व्हाट आई शैल हैव, व्हाट हैपनिंग, एक सेकेंड, सब लाइव चल रहा है, माय गॉड, जस्ट वेट, आई शैल हैव, यस ऑलराइट, आई शैल हैव, अब दिख रहा होगा बढ़िया, यस ओके, दैट इज पॉइंट। मैं अपने आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका, आई शैल हैव रीड माई बुक, माई बुक, आपके आने से पहले, बिफोर यू कम, या बहुत इजी वे में, बिफोर यू कम, दिस इज द पॉइंट, वेरी एग्जैक्टली यू कैन हैंडल गाइस, यस। ये आपके जो सेंटेंसेस भी, अब इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर चर्चा कर रहे हैं, वी आर जस्ट, मिटा दें इसको, सबने नोट कर लिया है, एवरीबॉडी एल्स प्लीज जस्ट, ऑलराइट गाइस, ओके थैंक यू। अब निगेटिव नोट कर लें इस बेस पे, दो तीन निगेटिव सेंटेंसेस, अब उसी में शैल नॉट है, विल नॉट है, वैसे करके लगेगा, प्लीज प्रेसी, प्रेसी की पैसे जो वाला क्या करें, अच्छा ओके, जस्ट वेट वेट, अब लग रहा होली बाद ही जाएगो, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस प्लीज, निगेटिव सेंटेंस, ओके। इसमें भी तीन तीन चार पॉइंट, यस इस पॉइंट्स को नोट कर लें, एक दो सेंटेंस इस बेस पे, ओके। हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, हरी के आने से पहले, हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, यस
नंबर टू, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। यस। नंबर थ्री, अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। ओके। अब देखिए, थोड़ा सेंसिटिव टाइप का टेंस है, थोड़ा सा सहायक क्रिया हल्की सी इधर उधर हुई नहीं कि बिगड़ जाएगा मसला इसका। ओके, इसलिए थोड़ा सा सावधानी इसमें बरतनी पड़ती, हल्का सा। और देखिए अब इसमें क्या होगा कि सहायक क्रिया तो वही है, विल हैव, शैल हैव लगेगा, लेकिन जब निगेटिव हो गया, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, समझ गए मैं, यानी उसके बीच में वो निगेटिव वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो मेंशन किया जाएगा और सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे वो सेंटेंस साल्व हो रहा है कि लास्ट में सिंपल प्रेजेंट को टच कर देंगे और शुरुआत फ्यूचर परफेक्ट टेंस से उसको मेंशन करेंगे। हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो सी विल नॉट हैव, यस, ऐसे स्ट्रक्चर देख लें कैसे कैसे बन रहा है पॉइंट पे। सी विल नॉट, निगेटिव वर्ड फिर हैव, सी विल नॉट हैव रिटर्न, यस, ऑलराइट, सी विल नॉट हैव रिटर्न द लेटर, सी विल नॉट हैव रिटर्न द लेटर बिफोर, बिफोर हरी कम्स, कम्स लिखना, माई गॉड, यस, ओके, इस स्ट्रक्चर पे आइएगा। सी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी कम्स, ऑलराइट। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। द चाइल्ड will not have, yes, will not have drunk, yes, all right, will not have drunk, या taken भी कर सकते हैं आप, no problem, yes, वहीं oblique करके मैं taken भी लिख दे रहा हूं ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों चीज यूज कर सकते हो। The child, बहुत इत्मीनान से सेंटेंस को जल्दबाजी उसमें बहुत इजी वे में उसके टच को देखते रहिए कैसे वो पॉइंट बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रामर का मसल मसला है आपने, क्योंकि ग्रामर भी मिस्टेक ना हो उसमें। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक, ड्रंक द मिल्क, ड्रंक द मिल्क, ओके, बिफोर, बिफोर, अब देखो यहां पे थोड़ा सा ओ, यहां मैं बगल में लिख दूं, यहां पे बिफोर ही स्लीप्स, बिफोर He sleeps. अब देखो यहां पे एक मैटर और है, तो बच्चा के लिए sleeps, सोने से पहले बच्चे दूध नहीं पिया होगा, तो बच्चे के लिए कोई, देखो जेंडर का भी मसला आता है। अब वहां तब आप वहां स्वतंत्र है लिखने के लिए, आप बिफोर इट स्लीप्स भी लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये है एक सेंटेंस, द बेबी लव्ज हिज टॉयज। अब जैसे यहां पे सेंटेंस दिया गया, देखो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है,
ट्रांसलेशन में चीजें चलेंगी कुछ, यहाँ पे चलेगा पॉइंट, लेकिन यहाँ पे जहाँ ग्रामर को वहाँ पे टच कराया जाएगा, कहीं पे ग्रामर जहाँ पे पूछा जाएगा या फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया गया, तो कभी कभी ऐसे पूछ लेगा द बेबी लव्स नंबर सी नो एरर नंबर डी। देखिए ग्रामर का पॉइंट, हाँ द बेबी लव्स हिज टॉयज। अब देखो बेबी का जेंडर मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, इट हैज नॉट बीन इंडिकेटेड, दैट्स वाई द बेबी लव्स इट्स टॉयज। क्लियर? तो बेबी के लिए आप क्या करेंगे, इट्स करेंगे, चाइल्ड के लिए भी इट्स आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि इफ द जेंडर इज नॉट क्लियर यू आर फ्री टू राइट एट ऑल। अब यहां आप स्वतंत्र हैं, चूंकि वहां पर कोई ऐसा मसला नहीं है, आप अपने ढंग से आप मेंशन कर दिए, ही स्लीप्स आप लिख सकते हैं, या सी स्लीप्स लिख सकते हैं, इट स्लीप्स लिख सकते हैं, ऑलराइट, यू आर फ्री टू राइट। लेकिन यहां जो ऐसे मसला आ जाए कभी, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स कभी कभी पूछ लेता है, जैसे ग्रामर का टच होगा कहीं एग्जाम देने का, यू कैन हैंडल इट वेल। यस, कुछ चीजें ओवरली हम बता देंगे, जैसे 150 सेंटेंस इनकरेक्ट टू करेक्ट करा दिया जाएगा, तो आपको ग्रामर का भी मालूम पड़ जाएगा कहां क्या हो रहा है। भाई 20-25 ऐसे हैं जो हर कंपटीशन में आ रहे हैं, अब हमसे मिले नहीं रहे लोग, हम क्या करें। कम से कम बैंक पीओ एसएससी वगैरह के जो एग्जामिनेशन में 20-25 ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार उसी के एक लेवल पे आ रहे हैं, दैट इज पॉइंट। जैसे लेस्ट है उसके साथ सूट का प्रयोग होता है, लोग नहीं लगाते, गलत हो जाता है, कंफर्म है। कोई ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें सो लेस्ट के साथ वाला प्रयोग नहीं आता हो, बीवेयर के साथ आपका प्रयोग होता है, लोग नहीं लगाते, गलत हो जाता है। अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, फंड ऑफ, गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ, इनके साथ ऑफ लगता है, फंड ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ये 5-6 आते हैं, हर जगह आ रहा है, घंटे भर में अंग्रेजी क्लियर, माई गॉड हाउ कैन आई टेल यू, तो हम कहाँ का चौराहा चौराहा बताएं। ओके, दैट इज पॉइंट, प्लीज आइए। तो अगला सेंटेंस है, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। ओके, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड, कर सकते हो, कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, डन भी लिख सकते हैं, यू कैन आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। कोर्स है ना, कोर्स तो नहीं पूछा, मैंने अपना काम, यस आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश्ड माई वर्क, कितनी स्याही पड़े, माई गॉड, इसमें I shall not have finished my work before the teacher comes. Hello, before the teacher comes. My God, it is okay. Note करें. Yes, yes. Thank you, especially for providing me such markers. Hello, guys. Okay, but you are trying well at all. Actually, to try to fill up the ink in the way. हेलो, ओके, ऐसे बोलते बोले सुबह ही उठेंगे बोलने लग जाएंगे, माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, बस यही है, यही मसला है, दैट्स गुड, आई लाइक इट, ओके, आई अप्रिशिएट इट, यू कैन, ओके, बस एक कदम बढ़ा दीजिए, बस इसके बाद देखिए आप में मैं देख रहा हूं ना कि यू आर स्पेशली फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हीमोग्लोबिन, यस, नथिंग मैटर एट ऑल, यू कैन अचीव द टारगेट। अब सेंटेंस इंटरोगेटिव का टच देख लें, मिटा दें इसको, या गुड, इंटरोगेटिव, अब उसी में निगेटिव भी आ जाएगा उसका, नो प्रॉब्लम, इंटरोगेटिव, दो तीन सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसी में इंटरोगेटिव नेगेटिव भी आ जाएगा, दो एक वाक्य से बात करेंगे आपसे, ठीक। अब जैसे सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव में, बहुत इजी वे में देखें, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे, क्या 7 बजने से पहले, क्या 7 बजने से पहले लड़के
मैच खेल चुके होंगे। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे? नंबर 2 क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। जस्ट नेक्स्ट है, गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। क्या गाड़ी आने से पहले, ओके, क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, वर्षा होने से कहां जा चुका होगा? वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले वह कहां जा चुका होगा, जा चुका होगा। बहुत इजी वे में सेंटेंस की पोजीशन को देखिए, ओके? क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे? अब क्या पहले आ गया, तो विल हैव साथ, देखिए विल हैव, शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब इसका है, तो लेकिन पहले चुकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब शुरुआत मान लो क्या से हो गई, तो व्हाट से नहीं शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब विल हैव है तो विल हैव नहीं लगाएंगे, विल लिख के सब्जेक्ट लिख के तब हैव लगेगा। अभी सेंटेंस जब बन जाएगा तो यू कैन हैंडल इट वेल, वेरी सॉफ्टली एंड पेनेट्रेटली एट ऑल। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे? विल द बॉयज, यस, विल द बॉयज हैव, ओके, प्लेड द मैच, प्लेड द मैच, ओके, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर 7, बिफोर 7 o'clock, यस, चलिए ओ क्लॉक भी लिख दिया, नो प्रॉब्लम। विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर 7, जस्ट स्पेशली यूज द क्वेश्चन मार्क इन एंड एट ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द पंक्चुएशन। ये पंक्चुएशन के वजह से, जहां इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव लिखें, जहां एक्सक्लेमेटरी वहां एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाएं, जहां सेंटेंस आगे बढ़ाना हो कामा लगाएं, ये सब आपके उसमें निबंध में आपको काम देगा चीजें। पंक्चुएशन यूज, अप्लीकेशन ऑफ पंक्चुएशन यू कैन स्पेशली फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली। थोड़ा इसलिए तो बोलता रहूंगा बीच बीच में, ऐसे बताया ना कि बस सुबह ही उठेंगे बोलने लग जाएंगे। यू कैन स्पेशली लिसन वेरी परफेक्टली, वेरी एग्जैक्टली, कॉशियसली, एग्जैक्टली, यू कैन, या। क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? ओके, सेल, यस, सेल वी, या नॉट हैव। अब देखो नॉट कहां लग गया, ऑलराइट, यानी पहले सेल लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नेगेटिव वर्ड, फिर हैव। सेल वी नॉट हैव टेकन, टेकन द टिकेट्स, टेकन द टिकेट्स, ओके, बिफोर द ट्रेन, बिफोर द ट्रेन क्या होगा, अराइव्ड, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल प्रोसेस गाइस, बहुत ध्यान रखिएगा। शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकेट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, यस, कर सकते, परचेस्ड कर सकते, यू कैन राइट, या टेकन टिकट या परचेज टिकट बाद द टिकेट्स, ऑलराइट, यू कैन, उस ग्रुप का कोई भी एक एनालिसिस कर दीजिए वहां पे, यू कैन स्पेशली गेट दैट, सो यस, ट्रांसलेशन का ये प्रोसेस है। वर्षा होने से पहले वह कहां जा चुका होगा, वेयर विल
ही विल ही हैव। अब देखिए यहां कभी कभी एक स्टूडेंट ही से मैं इसे मिस्टेक कर गया था, बता रहा हूं अभी आपको, वेयर विल ही हैव गॉन, बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं अभी, वेयर विल ही हैव गॉन, वर्षा होने से पहले वो कहां जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर बिफोर इट रेन्स। यस, बहुत बढ़िया आपने पॉइंट आउट किया, बिफोर इट रेन्स, वर्षा होने के लिए, दैट्स गुड, ऑलराइट, अप्रोप्रिएट। अब देखो चूंकि ही के साथ हैज लगता है, अब यहां परेशान स्टूडेंट हो गया कि ये सर हैव कैसे लग गया, ऐसा है ना कि लेकिन ऐसा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही विल हैव शैल हैव है। अब तब तब उसके दिमाग में आ गया, तो उसको तसल्ली हुई, नहीं तो परेशान था दौड़कर, मतलब कैसे ऐसे हो गया। एक बार हम सोचे कैसे हो गया, लेकिन तब तो हमका नहीं नहीं ये अभी हम घबराएंगे तो सोचेगा कि देखो जब यही घबराए पड़े हैं तो हमारा घबराना स्वाभाविक है। तो हमने अपने आप को थोड़ा संयमित किया, नहीं तो ऐसा परेशान हो के आया था कि मुझे लगा कि चीजें हो जाती, कंडीशन टू गेट ये सोला है। अरे कभी बड़े कभी कभी कंपटीशन ऐसी चीज होती है गाइस कि एग्जाम में बैठने वाला स्टूडेंट, अब सोचिए अभी एग्जाम कापी बट रही है, बड़ा लड़का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इसके बाद कह रहा है कि हम अब बस एक मिनट के लिए मेरी मम्मी से बात करा दीजिए। अब परीक्षा शुरू होने के पहले 10-15 मिनट 20 मिनट भी रह गया था, कापी बट गई तो बढ़िया से उसको झराया फुकाया गया, मतलब हमका भाई तसल्ली दी गई, बैठे हम उसके पास में, हमका इत्मीनान से पानी पिलाए, सर और सहलाया उलाग बैठा, हमका बेटा नथिंग इल्स एट ऑल, ओके अभी समय हम बात नहीं करा सकते, जान लो दैट इज पॉइंट एट ऑल, हाँ रेसस हो जाएगी एग्जाम तुम्हारा इधर हो जा रहा है, हम अपनी फोन से बात करा दें अपने पॉइंट से। कभी कभी हो जाता भाई किसी के आदमी के इंटरेक्शन जो ओके है सब मसला है, कुछ कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, माय गॉड ओके कौन किसका दूत बन जाए। यस yes. तो ये गाइस दिस इज द पॉइंट, ये आपका क्लियर हुआ, दिस इज ओके, थैंक यू वेरी मच स्पेशली फॉर टुडे। और एक पैसेज मैंने जो दिया था होली बाद उसको सॉल्व करा दिया जाए कि सेंटेंस क्या है वो आपका, मन तो आपका था सॉल्व करना, मैं समझ रहा हूँ, प्रजातंत्र का प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है, ये ओके, इन डेमोक्रेसी एवरी बॉडी हैज राइट टू वोट, या कर सकते हैं इन डेमोक्रेसी एवरी बॉडी हैज राइट टू वोट। अगले टर्न पे डिस्कस इस पर पूरा किया जाएगा, क्योंकि ओके 5 मिनट के बाद मुझे कहीं पहुंचना है। थैंक यू, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ओके थैंक यू वेरी मच एट ऑल।